हेलो गाइस, आज की इस नई वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में दोस्तों हम आपको सिखाएंगे, अगर आपके सूट का गला बॉर्ड नेक हो, कॉलर नेक हो, या फिर दोस्तों आपका 0 से 4.5 इंच हो बैक गला, तो दोस्तों उस सूट में हम आर्म और शोल्डर की कटिंग किस तरीके से करेंगे। आज की वीडियो में दोस्तों हम आपको फुल डिटेल में सिखाएंगे। अगर दोस्तों हमारे चैनल पर पहली बार है, पहली बार ही भाई वीडियो देख रहे हैं, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को लॉक कर देना, जिससे कि हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचती रहे। आइए दोस्तों वीडियो करते हैं स्टार्ट और सीखते हैं कुछ नया। जैसे कि दोस्तों हमने सूट का कपड़ा बिछा रखा है फिनिशिंग से, इसमें दोस्तों हमने प्रेस वगैरह लगाकर एकदम फिनिशिंग से कपड़ा बिछा दिया है। ये दोस्तों आपकी तरफ जो है वो ओपन साइड है और मेरी तरफ दोस्तों ये है बंद साइड। इसी तरीके से दोस्तों हम सूट का कपड़ा बिछाते हैं जब हम सूट की कटिंग करते हैं। इस वीडियो में दोस्तों हम आपको सूट की कटिंग नहीं सिखा रहे हैं, इस वीडियो में दोस्तों हम आपको सिखा रहे हैं अगर आपका बॉर्ड नेक गला बनता है या फिर दोस्तों हाफ कॉलर बनता है या कॉलर वाला गला बनता है दोस्तों सूट का, तो उसमें दोस्तों हम आर्म और शोल्डर की कटिंग किस तरीके से कर सकते हैं। आज की वीडियो में हम आपको डिटेल में सिखाएंगे। अगर दोस्तों आपको फुल सूट की कटिंग सीखनी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को लॉक कर दें, जिससे कि हमारी नई वीडियो जब भी आएगी सूट से कटिंग से रिलेटेड तो आपको मिल जाए, ठीक है। और बाकी दोस्तों मैंने स्पेशली वीडियो बना रखी है, वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं हमारे चैनल पर जाके प्लेलिस्ट, ठीक है। अगर आपको सीखना है कि सूट की कटिंग किस तरीके से की जाती है, सारा को दोस्तों हमने पीछे वीडियो में सिखा रखा है। आगे आपको नई वीडियो देखनी हो, सीखना हो नया, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब इस जैसे दोस्तों ये हमने बिछा रखा है फिनिशिंग से, अंदर की तरफ ये हमारा सीधे तरफ है और बाहर की तरफ उल्टी तरफ है। तो दोस्तों इधर से हमारा कपड़ा छूटा हुआ है इतना, दोस्तों ये जो हमारा कपड़ा है वो एक्स्ट्रा है। इस जगह से दोस्तों जब हमारी सूट की कटिंग हो जाएगी ये कपड़ा हमारा बच जाएगा, तो क्या करेंगे इसमें से हम बाजू कटिंग कर लेंगे। अब किस तरीके से सूट की कटिंग होती है दोस्तों वो हमारे चैनल पर जाके प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, या फिर दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें। सूट से रिलेटेड और भी वीडियो हमारे चैनल पर आती रहेंगी, ठीक है। अब सूट की कटिंग नॉर्मली क्या करें दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या करना होता है, इस जगह पे हमारे ऊपर की तरफ होता है हमारा आधा टेढ़ा कपड़ा, ठीक है। तो यहाँ से क्या करेंगे, स्केल लेंगे, स्केल की मदद से दोस्तों हम यहाँ पर एक सीधा निशान लगाएंगे, ठीक है। इस तरीके से क्या करेंगे, सीधा निशान लगा देंगे इस जगह से। अब यहाँ पर दोस्तों क्या करेंगे, लंबाई का निशान लगाएंगे। जैसे ही हमारा फिनिशिंग से कपड़ा बिछा हुआ है ना, अब यहाँ से सबसे पहले हमें लंबाई का निशान लगाना है, ऊपर जो हमने निशान लगाया उसी पे ही हमें रखना है, ठीक है, इंची टेप इसी तरीके से। और जितनी भी आपकी लंबाई हो उसमें आपको आधा इंच प्लस करना है और लंबाई का निशान इस तरीके से लगा देना है, ठीक है। अब यहाँ पर दोस्तों ये हमारा निशान लग जाएगा, इस जगह पे ये निशान सीधा कर देंगे, ठीक है। इस तरीके से हमारा निशान सीधा हो जाएगा और यहाँ पर दोस्तों नीचे तुरपाई के फोल्ड का मार्जिन का निशान हमारा जो कपड़ा है वो बच जाएगा। अब फिर दोबारा क्या करना दोस्तों, इंची टेप इस तरीके से ऊपर रखना है निशान के बराबर से, ठीक है। बराबर से हम इंची टेप रख देंगे निशान के। अब यहाँ पर दोस्तों जो हमारा निशान लगेगा वो चाक का लगेगा, जहाँ पर हमारे चाक ओपन होते हैं उसका दोस्तों हमें निशान लगाना है। अब दोस्तों चाक ओपन का नाप किस तरीके से लेते हैं, हमने दोस्तों मेजरमेंट की वीडियो बना रखी है स्पेशली, वहाँ से जाके आप सीख सकते हैं। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप सीख सकते हैं, ठीक है, कि चाक ओपन किस जगह से होते हैं और हिप का निशान कहाँ पर लगता है, ठीक है। और यहाँ पर दोस्तों जो हमने बॉडी मेजरमेंट की वीडियो बनाई है उसमें दोस्तों हमने आपको सिखा रखा है कि जो हमारा कमर का निशान लगता है, यहाँ पर देखो यहाँ पर जो निशान लगेगा वो चाक ओपन का लगेगा और बीच में दोस्तों हमारा एक निशान लगता है वो लगता है कमर लेंथ का। तो कमर लेंथ का नाप किस तरीके से लेते हैं वो भी हमने आपको सिखा रखा है बॉडी मेजरमेंट में, वहाँ से जाके आप सीख सकते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों अपनी अपनी चॉइस होती है चाक ओपन पहनने की, तो यहाँ पर जो चाक ओपन रखेंगे वो रखेंगे हम 20.5 इंच में। यहाँ पर क्या करेंगे, आधा इंच हमें प्लस कर देना है, 21 इंच में हम निशान लगा देंगे, ठीक है। ये तो हमारा जहाँ चाक ओपन होते हैं उसी जगह पर ही दोस्तों हमारा हिप का निशान लगता है। अब यहाँ पर दोस्तों जो लगेगा बीच में वो लगेगा हमारी कमर लेंथ का निशान। तो दोस्तों कमर अलग अलग तरीके से हर एक बॉडी के हिसाब से होती है, तो इनकी जो कमर रखेंगे दोस्तों वो हम रखेंगे 13.5 इंच की, आधा इंच प्लस कर देंगे 14 इंच दोस्तों हम इस तरीके से निशान लगा देंगे, ठीक है। आधा इंच दोस्तों हमने लंबाई में प्लस करा है, हिप में भी प्लस करा है, कमर में भी प्लस करा है, क्योंकि दोस्तों कंधे में दबाव जाएगा इसलिए दोस्तों हमने कमर हिप और लंबाई में प्लस करा है आधा इंच, ठीक है। अब ये दोनों निशान क्या करेंगे दोस्तों, हम एकदम सीधा खींच देंगे, ठीक है। इस तरीके से हम सीधे निशान लगा लेंगे इस जगह पे। अब यहाँ पर दोस्तों हमारा रह गया है आर्म लेंथ। आर्म लेंथ का जो निशान लगेगा वो किस तरीके से लगेगा वो मैं आपको आगे वीडियो में सिखाऊंगा। अब यहाँ पर दोस्तों कमर का जो निशान लगता है, अब दोस्तों जैसे हमने बॉडी का नाप तो ले लिया, ठीक है, सूट का हमने बॉडी का नाप ले लिया, लेकिन हमारा जो सूट का बॉडी का नाप होता है उसी तरीके से आपकी कटिंग नहीं होती है सूट में, उसमें दोस्तों हम लूजिंग भी देते हैं। तो किस हिसाब से कितनी हमें लूजिंग दी जाती है, चेस्ट, कमर,
हिप में, वो दोस्तों आपको सीखना पड़ेगा। हमारी स्पेशली एक वीडियो हमने बना रखी है, वहाँ से जाके आप सीख सकते हैं कि बॉडी के नाप से दोस्तों हमें चेस्ट, कमर और हिप में कितनी लूजिंग देनी है। ये भी दोस्तों अलग अलग तरीके से दी जाती है लूजिंग, हमारी वीडियो स्पेशली हमने बना रखी है, हमारे चैनल पर ऑलरेडी अपलोड है। वीडियो का लिंक डिस्कस से मिल जाएगा या फिर दोस्तों हमारे चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट चेक कर सकती कि बॉडी के नाप से सूट में लूजिंग किस तरीके से दें। ठीक है, अब यहाँ पर दोस्तों ये तो बात हो गई, अगर आपका कोई सा भी साइज हो उसमें आपको बॉडी के नाप लेने के बाद सबसे पहले आपको लूजिंग देनी है। ठीक है, जो हमारा लूजिंग देने के बाद तैयार नाप आएगा उसी हिसाब से दोस्तों हमारे सूट की कटिंग होती है। तो यहाँ पर नॉर्मली जो निशान लगते हैं वो मैं आपको सिखा देता हूँ किस तरीके से लगते हैं। यहाँ पर जैसे मान के चल लेते हैं नॉर्मली हिप हमारी जो रहेगी वो रहेगी 40 इंच लूजिंग देने के बाद। ठीक है, बॉडी के नाप लूजिंग देने के बाद 40 इंच हमारी चेस्ट का तैयार रहेगी, हिप दोस्तों हमारी 40 इंच तैयार रहेगी। तो यहाँ पर 40 का जो चौथा हिस्सा हो जाएगा वो हो जाएगा 10 इंच का। अब यहाँ पर दोस्तों हिप के हिसाब से अगर घेरा पहनना पसंद करते हैं तो हिप में जितना आपने निशान लगाया उतना ही नीचे कर सकते हैं, निशान लगा सकते हैं, या फिर आप ज़्यादा पहनना पसंद करते हैं तो ज़्यादा भी आप लगा सकते हैं। जैसे 21 इंच हम पहनेंगे तो 21 इंच का हाफ हो जाएगा 10.5 इंच, इस तरीके से हमें निशान लगा देना है। अब इस तरीके से ये स्केल लेंगे, स्केल की मदद से दोस्तों ये निशान हम फिनिशिंग से सीधा कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से सीधा कर देंगे और जितना चौड़ाई दोस्तों हमारा स्केल है उतना ही दोस्तों हम क्या करेंगे, यहाँ पर चाक का फोल्ड का जो मार्जिन रहता है वो हम यहाँ पर छोड़ देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर दोस्तों कमर का नाप हम यहाँ पर लगा लेंगे। कमर दोस्तों इसमें जो रखेंगे वो रखेंगे 34 इंच बॉडी के नाप लेने के बाद लूजिंग देने के बाद। ठीक है, जो भी हमारे यहाँ पर निशान लगते हैं वो लूजिंग देने के बाद तैयार जो नाप आता है उसी के हिसाब से यहाँ पर हमारे निशान लगते हैं। तो कमर दोस्तों हम नॉर्मली इसकी रख लेते हैं 34 इंच। ठीक है, 34 इंच का हमारा कमर पे निशान लग जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों जो हमारी सेफ एंट्री होती है, सेफ एंट्री की मदद से क्या करेंगे, कमर और हिप का निशान इस तरीके से हमें लगा देना है। इस तरीके से हम क्या करेंगे, निशान लगा देंगे और यहाँ पर दोस्तों स्केल लेंगे, स्केल की मदद से दोस्तों इस तरीके से हमें ये निशान लगा देना है। यहाँ पर भी दोस्तों हमें टाइट लूज का मार्जिन छोड़ना पड़ता है, कभी बाई चांस हमारा सूट टाइट हो गया तो हमें लूजिंग भी देनी चाहिए जिससे कि हमें आगे चल के सूट लूज कर सकें। ठीक है, इस चीज़ का काफ़ी ध्यान रखना पड़ता है, अगर हमारा सूट खराब हो गया या फिर दोस्तों टाइट हो गया तो उसे लूज किस तरीके से कर सकते हैं, तो दोस्तों हमें एक्स्ट्रा मार्जिन बहुत देना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब यहाँ पर दोस्तों इतने हमने आपको नाप लेना सिखा दिया, लगाना सिखा दिया, निशान किस तरीके से लगते हैं। जैसे हिप दोस्तों हमारी हो जाएगी 40 इंच और कमर दोस्तों हमारी हो जाएगी 34 इंच, इस तरीके से आप नाप भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों बारी आती है हमारी कि चेस्ट के निशान किस तरीके से लगेगा, आर्मो लेंथ का निशान किस तरीके से लगेगा और शोल्डर का निशान किस तरीके से लगेगा अगर आपका गला कॉलर नेक हो, बॉर्डर नेक हो या फिर दोस्तों आपका जीरो से, यानी कि सीधे सीधे हम आपको बता देते हैं, अगर आपका जीरो से 4.5 इंच गला है तो किस तरीके से आर्मोल शोल्डर का निशान लगाएंगे। ठीक है, किसी भी साइज का, ये मैं किसी भी साइज का सिखा रहा हूँ, ये नहीं है कि आप एक ही साइज में लगाएंगे। ठीक है, आपका 31 भी हो सकता है, 32 भी हो सकता है, 40 भी हो सकता है, 44 भी हो सकता है, 38 भी हो सकता है, कोई सा नाप हो सकता है आपका। लूजिंग देने के बाद बॉडी का अगर आपने नाप ले रहे हैं तो उसमें लूजिंग देने के बाद जो तैयार नाप आएगा उसी के हिसाब से दोस्तों हम यहाँ पर निशान लगाना है आपको। ठीक है, जो भी हमारे निशान लगते हैं यहाँ पर आर्मोल और शोल्डर के, वो लगते हैं दोस्तों हमारे शोल्डर के नाप के हिसाब से। जैसे मान के चलिए हमारा जो शोल्डर रहेगा, ठीक है, एक अनुमान के तौर पर बता रहा हूँ, शोल्डर जो रहेगा दोस्तों वो हमारा रहेगा 14 इंच या फिर दोस्तों 15 इंच। ठीक है, 15.5 भी हो सकता है, 14.5 भी हो सकता है, आपका कोई सा भी हो सकता है, 12.5 भी हो सकता है, 13 भी हो सकता है, कोई सा भी आपका शोल्डर हो सकता है, लेकिन आपको शोल्डर के नाप से यहाँ पर शोल्डर का निशान, ठीक है, और आर्मो लेंथ का निशान लगाना है। और यहाँ पर दोस्तों इस तरीके से क्या करेंगे, जैसे मान के चल लेते हैं हमारा शोल्डर जो रहेगा वो रहेगा 15.5 इंच का, तो 15.5 इंच का दोस्तों आपको हाफ करना है। जैसे हमारे यहाँ पर आगे 15.5 इंच एंट्री टेप इस तरीके से 15.5 इंच पर रखेंगे और हाफ कर देंगे, इस तरीके से जो हमारा नाप आएगा वो आएगा दोस्तों हमारा 7.25 इंच। ठीक है, इस तरीके से हम क्या करेंगे, 7.25 इंच पे इस तरीके से हम निशान लगा देंगे। ठीक है, 15.5 इंच के हिसाब से बता रहा हूँ, अगर आपका है 14.5 इंच तो आपको क्या करना है, इस तरीके से 14.5 इंच पे हाफ कर देना है। ठीक है, इस तरीके से हाफ करने के बाद 14.5 का जो आएगा दोस्तों वो हमारा आएगा 7.75 इंच, इस तरीके से नाप लगा देंगे। अगर दोस्तों आपका शोल्डर है 14 इंच या 13 इंच, 13 इंच मान लेते हैं, 13 इंच इस तरीके से करने के बाद हाफ कर देंगे और दोस्तों हमारा जो 13 इंच का नाप आएगा वो आएगा 6.5 इंच, इस तरीके से आपको आर्मो लेंथ का निशान लगाना है। अगर आपका बैक नेक 0 से 4.5 इंच हो उसमें दोस्तों आपका बॉर्ड नेक भी आ जाएगा, कॉलर नेक भी आ जाएगा, हाफ कॉलर आ जाएगा और छोटा भी गला हमारा बैक से आ जाएगा। ये आर्मो लेंथ का जो निशान लगता है वो बैक गले के अनुसार लगता है और चेस्ट के हिसाब से लगता है दोस्तों हमारे जो बैक से डीप नेक होते हैं उसके हिसाब से। ठीक है, इसमें तो सिर्फ हम दोस्तों बात कर रहे हैं कि अगर हमारा
जीरो से 4.5 इंच गला है तो किस तरीके से आर्म लेंथ और शोल्डर का निशान हम लगा सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों जो हमने निशान लगाया था 15.5 इंच के हिसाब से लगाया था, 7.25 इंच पे, ठीक है। और इससे क्या करेंगे, निशान हम फिनिशिंग से सीधा कर देंगे, ठीक है। इस तरीके से हमें क्या करना है, निशान सीधा कर देना, ये हमारा निशान हो जाएगा आर्म लेंथ का। अब इसी पे क्या करेंगे दोस्तों, हमें चेस्ट का निशान लगा देना है। जैसे इनकी चेस्ट है दोस्तों हमारी जो रहेगी कोई सी भी साइज हो सकती है, एक अनुमान तौर पे मैं आपको सिखा रहा हूँ, ठीक है। इनकी चेस्ट दोस्तों हम रख लेते हैं 40 इंच ही, 40 इंच हमारी हिप हो जाएगी, 40 इंच हमारी चेस्ट हो जाएगी। इस तरीके से हमें निशान लगा देना है चौथा हिस्सा 10 इंच पे। अब दोस्तों ये सेफ एंट्री लेनी है, हमें सेफ एंट्री की मदद से यहाँ से क्या करना है, सेफ दे देना है। इस तरीके से क्या करेंगे, सेप दे देंगे फिनिशिंग से, ठीक है। और यहाँ से स्केल लेंगे, स्केल की मदद से इस तरीके से हमें यहाँ पर मार्जिन छोड़ते हुए निशान लगा देंगे। ये तो हमारा यहाँ तक नाप लग जाएगा, ठीक है, निशान लग जाएगा। चेस्ट दोस्तों हमारी यहाँ पर हो जाएगी 40 इंच। अब यहाँ पर दोस्तों जो हमने चेस्ट का निशान लगाया है, जो हमारा आर्म लेंथ का निशान है, यहाँ पर हमारा लगा है चेस्ट का निशान। तो चेस्ट के निशान पर दोस्तों हमारा एक फ्रंट क्रॉस और बैक क्रॉस का निशान लगता है। तो फ्रंट क्रॉस और बैक क्रॉस का निशान किस तरीके से लगेगा, जो आपका शोल्डर होगा ना उसी के हिसाब से दोस्तों हमारा फ्रंट क्रॉस और बैक क्रॉस का निशान लगेगा। जैसे कोई सा भी हमारा आया था शोल्डर, उसमें हमने हाफ कर दिया था इस तरीके से, और जितना आपका आर्म लेंथ का हाफ होगा उतना ही दोस्तों इस तरीके से आपको क्या करना है, निशान यहाँ पर लगा देना है, ठीक है। जितना आपका शोल्डर यहाँ से आर्म लेंथ का हाफ होगा ना, उतना ही दोस्तों यहाँ पर जो हमारा चेस्ट का निशान है इसी पे क्या करना है, निशान आपको लगा देना है। जैसे 15.5 इंच के हिसाब से हमने यहाँ पर निशान लगाया था, 7.5 इंच आया था, तो यहाँ पर भी आपको क्या करना है, 7.5 इंच का एक निशान लगा देना है। अगर आपका यहाँ पर आया है 6.5 इंच तो आपको क्या करना है, 6.5 इंच पे इस तरीके से निशान लगा देना है। शोल्डर जो भी होता है दोस्तों वो अलग अलग साइज के हिसाब से अलग अलग तरीके से होता है। छोटा साइज होगा हमारा, हल्का साइज होगा तो उसमें शोल्डर क्या होगा, हल्का आएगा, 13 इंच आएगा, 12.5 इंच आएगा, 14.5 इंच आएगा, 14 इंच आएगा। तो इस तरीके से जो भी आपका शोल्डर आए, यानी कि कहने का मतलब है जितना आपका आर्म लेंथ रहेगा वही आपका यहाँ पर बैक क्रॉस का ये हमारा निशान लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने 7.5 इंच का निशान लगा दिया इस जगह पर। ये तो दोस्तों हमारा निशान लग गया बैक क्रॉस का, ठीक है, जो हमारा जिसकी मदद से हमारा बैक पल्ला कटेगा। अब यहाँ पर दोस्तों एक फ्रंट क्रॉस का निशान लगता है, वो हम लगा लेंगे दोस्तों यहाँ से 1 इंच पे या फिर दोस्तों 1.25 इंच पे। आप कोई सा भी साइज यहाँ पर लगा सकते हैं, 1 इंच लगा सकते हैं या 1.25 इंच लगा सकते हैं। इस तरीके से हम दोस्तों इसमें लगा लेंगे 1.25 इंच का निशान यहाँ से। ये तो हमारा बैक क्रॉस का निशान लग गया, इस जगह पे पीछे हटा के हम लगा लेंगे 1.25 इंच पे एक निशान किसी भी साइज में। इसी तरीके से हमारी फ्रंट क्रॉस और बैक क्रॉस का निशान लग जाएगा। अब यहाँ पर बारी आती है दोस्तों हमारा शोल्डर किस तरीके से लगेगा। तो शोल्डर जितना हमने दोस्तों क्या करा था, जितना हमने इसमें लगाया था आर्म लेंथ का निशान, उतना ही हाफ कर, जितना भी आपका शोल्डर हो ना उसका आपको हाफ कर देना है। हाफ करते हुए दोस्तों जैसे हमारा यहाँ पर आया था 7.5 इंच, तो यहाँ पर क्या करेंगे, शोल्डर का भी निशान 7.5 इंच पे इस तरीके से लगा देंगे, ठीक है। यहाँ पर हमारा शोल्डर का निशान लग जाएगा, लेकिन इसमें हमें बाजू जो हमारी चढ़ती है आर्म होल में उसका मार्जिन ऐड करना है। 1/2 इंच का यहाँ पर दोस्तों हम मार्जिन ऐड कर देंगे इस तरीके से, ठीक है। फिक्स शोल्डर का निशान लगाने के बाद जितना भी आपका शोल्डर है उसको हाफ करेंगे। हाफ करने के बाद जो हम निशान लगा लेंगे, निशान लगाने के बाद आपको 1/2 इंच का एक मार्जिन ऐड करना है, जो हमारा बाजू चढ़ेगा उसमें जो मार्जिन रहता है उसके लिए हमें यहाँ पर ऐड कर देना है। अब यहाँ से क्या करेंगे दोस्तों, हमें गले ब्रोड का निशान लगाना है, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों जो गले ब्रोड का निशान लगाएंगे वो लगाएंगे 3 इंच पे, ठीक है। अगर आप गले ब्रोड का कम पहनना पसंद करते हो तो आप 2.75 इंच भी कर सकते हैं, लेकिन जो हमारा बॉर्ड नेक, कॉलर नेक, हाफ कॉलर हो या फिर दोस्तों बंद गला हो तो उसमें क्या करेंगे, 3 इंच का गले ब्रोड का निशान लगाते हैं, क्योंकि दोस्तों पीछे से हमारा गला फैलता नहीं है, एकदम बंदी रहता। तो यहाँ से क्या करेंगे, 3 इंच पे गले ब्रोड का निशान हम लगा देंगे। अब यहाँ से हमारा गले ब्रोड का निशान लग जाएगा फ्रंट में। अब यहाँ से क्या करेंगे दोस्तों, जहाँ हमारा शोल्डर का निशान लगाए उस जगह से दोस्तों आपको क्या करना है, 1.25 इंच का कंधी डाउन कर दिए इस तरीके से, आपको कंधी नीचे की तरफ डाउन कर देनी है। अब यहाँ से जो गले ब्रोड का निशान लगाया था वहीं से इस तरीके से आपको निशान सीधा कर देना, ठीक है। इस तरीके से हमारा निशान सीधा हो जाएगा। अब क्या करेंगे, जो हमारा बैक क्रॉस का निशान लगाया था और जो हमने 1/2 इंच प्लस करके निशान लगाया था उस पर इस तरीके से स्केल रखेंगे, यहाँ पर निशान सीधा कर देंगे। अब जो दोस्तों हमारा नीचे डाउन करके जो निशान लगा उससे स्केल इस तरीके से रखेंगे और फ्रंट क्रॉस में इस तरीके से हम निशान सीधा कर देंगे, ये हमारा निशान लग जाएगा। अब उसके बाद दोस्तों हमने सबसे पहले फ्रंट क्रॉस में आर्म होल की शेप देनी, जो हमने फ्रंट क्रॉस का निशान लगाया उसमें आर्म होल की शेप देनी है आपको फिनिशिंग से, ठीक है। ये दोस्तों आर्म होल की जो शेप होती है, जैसे जैसे हम कटिंग करते हुए जाते हैं वैसे दोस्तों हमें अच्छे से फिनिशिंग से आर्म होल की शेप देना आ जाती है। अब उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना, पॉन इस तरीके से जो हमारा बैक क्रॉस का निशान है उसमें दोस्तों आपको फिनिशिंग से शेप देनी है, ठीक है। इस तरीके से दोस्तों हमारी शेप हो जाएगी इस जगह पर, अच्छे से आपको फिनिशिंग से इस तरीके से आपको शेप देनी है बैक पल्ले और फ्रंट पल्ले में दोनों।
इस तरीके से हमारी दोस्तों ये आर्मोल का निशान लग जाएगा फिनिशिंग से। इस तरीके से दोस्तों हमने आपको निशान लगाना सिखा दिया है। अगर आपका 0 से 4.5 इंच बैक गला है तो इस तरीके से आप आर्मोल एंड शोल्डर का निशान लगा सकते हैं, बहुत ही सिंपल तरीके से, छोटी सी ट्रिक है। अगर आप अच्छे से सीख गए तो आपको 0 से 4.5 इंच में गला कटिंग करने की, यानी कि सूट कटिंग करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब दोस्तों हम गले की लंबाई का निशान लगाएंगे, जितना भी आपका गला हो उस हिसाब से क्या करेंगे, इस तरीके से हमें निशान लगाना है, ठीक है, यहाँ से। और जितना भी आपका गला हो उसमें 0.5 इंच आपको प्लस करना है, ठीक है, इस तरीके से प्लस करके निशान लगा देंगे। और यहाँ पर दोस्तों आपको क्या करना है, 0.75 इंच या 3 इंच पर गले ब्रोड का निशान लगा देना नीचे से, और ये निशान इस तरीके से आपको सीधा कर देना है फिनिशिंग से, और यहाँ से भी ये निशान सीधा कर देंगे। अब यहाँ पर दोस्तों हम गोल गले की शेप दे देंगे, आप कोई सा भी पॉइंटेड गला बना सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से। अगर आप हाफ कॉलर गला बना रहे हैं, ठीक है, जैसे हाफ कॉलर आप बना रहे हैं तो यहाँ से क्या करेंगे, 2.5 इंच आपको इस तरीके से निशान लगा देना है, ठीक है, ऊपर से। और यहाँ पर क्या करेंगे, हल्का सा इस तरीके से आपको पॉइंट बनाना है, ठीक है, इस तरीके से पॉइंट बनाते हुए यहाँ पर आपको निशान लगा देना है। इस तरीके से दोस्तों हमारे यहाँ पर गले का जो निशान है वो वहाँ पर है, यहाँ से दोस्तों इस तरीके से आपको कटिंग करना है, ठीक है, गला। और इसमें कॉलर भी हमारा अलग तरीके से चढ़ता है, ठीक है, जो हमारा कॉलर लगता है वो अलग तरीके से लगता है। अगर दोस्तों आपको सीखना है कि कॉलर किस तरीके से हमें अटैच करना है सूट में, तो दोस्तों इस पर भी हम स्पेशली वीडियो बनाएंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आगे आगे आपको नई नई वीडियो मिलते रहेंगी। बेल आइकन को जरूर अलाउ कर दें, जब भी हमारी वीडियो आएगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। इस तरीके से दोस्तों मैंने आपको डिटेल में सिखा दिया है कि अगर आपका 0 से 4.5 इंच बैक गला है तो किस तरीके से हम आर्मोल और शोल्डर की कटिंग कर सकते हैं। अगर दोस्तों आपको सिलाई से रिलेटेड वीडियो और भी देखनी है तो हमारे चैनल पर जाके प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। अगर दोस्तों इस वीडियो में आपको कोई डाउट लगता हो तो हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों मैं आपको छोटी सी टिप्स बता देता हूँ जो आपकी बहुत ही ज़्यादा काम आएगी। अगर जब दोस्तों हम क्या करते हैं, जब हम यहाँ पर आर्मोल में बाजू अटैच करते हैं ना, तो उस टाइम क्या होता है दोस्तों, कई बार हमारी गड़बड़ी हो जाती है, जैसे सूट का आर्मोल होता है हमारा बड़ा हो जाता है या फिर हमारा छोटा हो जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना है, जैसे जो बाजू का आर्मोल रहेगा हमारा वो फिक्स रहेगा, कटिंग एकदम फिक्स रहेगी हमारी बाजू के आर्मोल की। लेकिन अगर आपका सूट का आर्मोल छोटा हो गया या बड़ा हो गया तो आपको क्या करना है, जैसे यहाँ से अगर आपका बड़ा हो जाता है बाजू चढ़ाते टाइम सूट का आर्मोल, तो आपको क्या करना है, इस जगह से हल्का हल्का इस तरीके से जितना भी आपका बड़ा हो गया ना, यहाँ से इस तरीके से आपको कटिंग करके हटा देना, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जितना भी आपका छोटा हो आर्मोल, इस तरीके से कटिंग करके आप बड़ा कर सकते हैं आर्मोल, ठीक है। इस तरीके से अगर आपका बाजू चढ़ाते टाइम आपका छोटा हो गया आर्मोल सूट का, तो बाजू का आपका फिक्स होना चाहिए। अब यहाँ पर हमारा छोटा होगा तो बड़ा कर देंगे, ठीक है। अगर आपका बड़ा हो गया आर्मोल तो उसको छोटा किस तरीके से करेंगे, अब यहाँ से क्या करेंगे, जहाँ पर हमारा आर्मोल लेंथ का निशान है उस जगह से आपको 2.5 इंच पर इस तरीके से निशान लगाना है, ठीक है। वैसे आपका आर्मोल फिक्स कटिंग जो मैं सिखा रहा हूँ उसके हिसाब से आपका फिक्स आएगा, ठीक है। अगर बाई चांस हो जाता है, गलत हमसे कटिंग हो जाती है, अगर बाई चांस आपका छोटा या बड़ा हो गया तो इस तरीके से आप ठीक कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से 2.5 इंच आपको निशान लगाना है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, जितना भी आपका आर्मोल बड़ा हो जाता है ना बाजू से, वो क्या करेंगे, इस तरीके से आपको सेफ अंटी लेनी है, यहाँ से सेफ देते हुए इस तरीके से हमें टाइट कर देना है हल्का सा, जितना भी आपका बड़ा हो तो आपका आर्मोल एकदम फिक्स आ जाएगा। अगर आपको ये ट्रिक हमारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना। तो जैसे कि दोस्तों मैंने आज की वीडियो में सिखा दिया आपको, अगर आपका बैक नेक 0 से 4.5 इंच है, आपका बॉर्ड नेक हो या कॉलर नेक हो, तो उसमें दोस्तों हम आर्मोल और शोल्डर की कटिंग किस तरीके से कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने आज की वीडियो में आपको सिखाया है। अगर दोस्तों आपको फिर भी कोई डाउट लगता है तो हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको सिलाई से रिलेटेड वीडियो और भी देखनी हो तो हमारे चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। अगर दोस्तों हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, पहली बार हम वीडियो देख रहे हैं, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को लॉक कर देना, जिससे कि हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना।